प्यारे बच्चों नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च के एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारी ऑपरेशन रिसर्च वीडियो सीरीज का ही एक लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक स्पेशल केस होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, जिसमें कि कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, और एक खास तरह का टेबल फॉर्मूलेशन होता है, एक खास तरह का मॉडल होता है जो कि प्रैक्टिकली कुछ रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, तो पहले मैं यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो होता है उसके साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करते समय। तो आइए पहले उसको समझते हैं, एंड देन इसके बाद में कुछ थ्योरी पार्ट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है उसमें हमारे पास में कुछ टेबल होती है, लाइक दैट मैट्रिक्स के तरह एक टेबल होती है स्टूडेंट्स, जिसमें कुछ एंट्रीज होती हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास में एक टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, लाइक दैट दिस वन। ओके, यहाँ पर कुछ हमारे पास में सोर्सेस हैं बच्चों, दिस इज द सोर्सेस एंड दिस इज द डेस्टिनी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सोर्सेस एंड डेस्टिनी, इनको हम लोग नाम दे देते हैं D1, D2, D3, D4, उसको नाम दे देते हैं S1, S2, S3 और S4, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एंट्रीज लिखी हुई है स्टूडेंट, सपोज दैट यहाँ पर C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43 एंड C44, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ डिमांड है बच्चों इन डेस्टिनीज की, इट्स सपोज दैट यहाँ पर डिमांड अपने पास में है B1, डिमांड को हम लोग नॉर्मली BI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो B1, B2, B3 एंड B4, और जो सप्लाई है, ठीक है, वो सप्लाई को हम लोग A1, A2, A3 एंड A4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। और आइए अब जरा इस टेबल को समझते हैं कि इसमें ये है क्या। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है और उसमें हम लोग करते क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट। कोई भी जो इंडस्ट्री होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाती है, ठीक है ना, तो मार्केट में सप्लाई बनी रहे प्रॉपर, इसलिए वो अपने कई सारे वेयर हाउसेस या उसके जो सप्लाई सेंटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। क्योंकि कोई पर्टिकुलर सिटी बड़ी हो सकती है, कोई उसके आसपास की सिटी छोटी हो सकती है, तो इस स्थिति में वो अपने जो प्लांट होते हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरर प्लांट होते हैं, उन प्लांट के थ्रू अलग अलग सिटीज को सप्लाई करती है। कोई सिटी प्लांट के नज़दीक होती है, कोई दूर होती है, ठीक है ना, तो कोई और सिटी किसी दूसरे प्लांट कोई पास होती है। तो अब हर एक पर्टिकुलर सिटी की या एरिया की या डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक डिमांड होती है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतनी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अब बात यह आती है कि कंपनी अपने किस प्लांट से उसको सप्लाई कर दे ताकि उसकी डिमांड भी पूरी हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम से कम आए। और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहला, उसकी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन पे कम से कम खर्च करना पड़े, ओके। और अगर किसी एक प्लांट से पूरी डिमांड नहीं हो पा रही है तो दूसरे प्लांट से हम लोग उसको पूरा सप्लाई करते हैं, और इस तरह से करें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहे। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मेन उद्देश्य होता है वो जो डिमांड है उसको पूरा कर देना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए उसकी डिमांड को पूरा कर देना, ये उद्देश्य होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। और हम सारे जो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करेंगे उसमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने का ही प्रयास करेंगे और वही विधियों का हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। तो आपके सामने बच्चों एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल लिखा हुआ है, एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कुछ सोर्सेस है बच्चों, राइट, यानी कि फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं आप, कि ये फैक्ट्रीज हैं, बेसिकली फैक्ट्री हैं S1, S2, S3, S4, और ये उनकी सप्लाई है। सपोज A1, A2, A3, A4, मतलब ये जो S1 है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में A1 सप्लाई कर सकता है, A1 क्वांटिटी, S2 A2 क्वांटिटी कर सकता है, S3 A3 क्वांटिटी, S4 A4 क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है,
ये सप्लाई कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, थाउजेंड में हो सकती है, लाख में हो सकती है, या फिर कुछ यूनिट्स में भी हो सकती है। एंड सिमिलरली हर डेस्टिनी, आप इनको सिटीज भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है, इनकी कुछ डिमांड है, B1, B2, B3 एंड B4। तो हमें क्या करना है बच्चों, इन सब की डिमांड्स को पूरा करना है, और इस तरह से करना है कि सप्लाई भी पूरी खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है ना। S1 सोर्स यानी कि जो S1 फैक्ट्री है, उससे अगर हम D1 को किसी एक यूनिट जो वो डिमांड करता है, वो ज्यादा डिमांड करता है, लेकिन किसी एक यूनिट को भेजने का जो खर्च है वो C11 है। ये वास्तव में एक्सपोर्टेशन कॉस्ट है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को S1 से D1 डेस्टिनी तक भेजने की। उसी प्रोडक्ट को S1 से D2 तक भेजने की कॉस्ट C12 है, उसी को S1 से D3 तक भेजने की कॉस्ट C13 है, उसी को S1 से D4 तक भेजने की कॉस्ट C14 है। एंड सिमिलरली S2 जो है, S2 प्लांट से D1 डेस्टिनी तक प्रोडक्ट, जो भी D1 की डिमांड है, ओके, उस प्रोडक्ट को D1 तक भेजने में C21 कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। ये एक यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बच्चों। C22, S2 से D2 तक, S2 से D3 तक C23 एंड S2 से D4 तक C24, और उसी पर्टिकुलर यूनिट को अगर S4 से D3 तक भेजा जाए तो C43 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये वास्तव में कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक यूनिट को पर्टिकुलर सोर्स से पर्टिकुलर डेस्टिनी तक पहुंचाने की स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोगों को अब कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है कि हम सबकी डिमांड को पूरा कर दें, सारी सप्लाई भी खत्म हो जाए और पैसा कम से कम खर्च करना पड़े ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करना ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वास्तव में। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स आपको बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, यानी कि ऐसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई हो, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर आप कोई भी मेथड को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन इसके बाद में आता है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल नहीं होती है स्टूडेंट। या तो डिमांड ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मतलब दोनों ही चीजें हो सकती हैं, कभी डिमांड ज्यादा मिल जाएगी या कभी सप्लाई ज्यादा मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि अनबैलेंस्ड हो, पहले उसे बैलेंस्ड बनाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट, तो उसे बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे डमी रो या डमी कॉलम की मदद से हम लोग उसको बैलेंस्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टूडेंट्स के आप लोगों के पास में सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है ना। तो अगर सप्लाई ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए आपको नई डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा। तो नई डिमांड को जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और उसमें जो कॉस्ट है उसको 0-0 रखेंगे और इसको D5 नाम दे देंगे, और जितनी डिमांड कम पड़ रही है वो डिमांड यहां पर आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे सप्लाई तो वही रहेगी लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, जो कि डमी डिमांड होगी। तो उससे डिमांड बढ़ने से ये जो सप्लाई, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉलम, ये डमी कॉलम डालते हैं जीरो कॉस्ट के साथ। यानी कि डमी कॉलम तब डाला जाता है जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से स्टूडेंट्स, ठीक है ना, राइट, बात समझ में आई। जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से तो डमी कॉलम इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि सप्लाई
कम है डिमांड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर एक डमी रो को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डमी रो में क्या होगा कि कॉस्ट तो जीरो होंगी, एक डमी एस फाइव सोर्स बना दीजिएगा, एक रो बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर जो सप्लाई कम पड़ रही है वो लिख दीजिएगा, यानी कि ए फाइव स्टार। तो इस तरह से एक डमी रो को इंट्रोड्यूस करने से आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं। डेफिनेट सिंपल सी बात है, सप्लाई रो से रिप्रेजेंट हो रही है, रो में हम लोग सप्लाई लिख रहे हैं सोर्सेस की, है ना। तो आप अगर आपकी डिमांड बढ़ानी हो आपको सॉरी सप्लाई बढ़ानी हो और डिमांड ज्यादा हो, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप एक डमी रो डालेंगे, और अगर आपकी क्या कहते हैं डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आप डमी कॉलम डालेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, बैलेंस्ड किया जाएगा, एंड देन इसके बाद में उसे सॉल्व किया जाएगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको दी हुई है तो आप उसको बैलेंस्ड बनाएंगे। बैलेंस्ड बनाने के लिए आप देखेंगे कि किस में कमी हो रही है, यानी क्या कम है, डिमांड कम है या सप्लाई कम है। अगर डिमांड कम होगी स्टूडेंट्स तो आप डिमांड को बढ़ाएंगे, और डिमांड को बढ़ाने के लिए आप एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे जीरो कॉस्ट के साथ में, और जितनी डिमांड चाहिए उतना वहां इंट्रोड्यूस कर देंगे नीचे, राइट। और अगर आपके पास में सप्लाई कम है तो सप्लाई आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप एक डमी रो को इंट्रोड्यूस कर देंगे जीरो कॉस्ट के साथ में, और जो भी सप्लाई कम पड़ रही है वो यहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या बनाएंगे, बैलेंस्ड बनाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। इसका जो सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये थ्योरी पोर्शन है बच्चों, है ना। मेन मेन जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको बता दिए क्या क्या होता है और क्या कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय काम नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी था, दैट्स व्हाई बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू सी वन वन एक्स वन वन सी वन टू एक्स वन टू, और हर कॉस्ट में पर्टिकुलर एक्स वन वन एक्स वन टू का मल्टीप्लाई करते हुए आप सी एन एन, मैं इसी पर्टिकुलर का एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, तो इट इज सी फोर फोर इंटू एक्स फोर फोर तक का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुल मिला के 16 टर्म्स आएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बनेंगे बच्चों, तो सब्जेक्ट टू में क्या आएंगे, दो तरह के कॉन्स्टेंट्स आएंगे, एक आएंगे सप्लाई कॉन्स्टेंट, राइट। सप्लाई कॉन्स्टेंट में क्या आएंगे बच्चों, लुक एट दैट, सप्लाई कॉन्स्टेंट में आएगा x11, x11, x12, x13 is equals to ऐसे सॉरी x plus x14 is equals to a1, ठीक है ना। ऐसे ही फिर x21, x22 dot dot dot, ये कहां तक, x ये x24 तक, तो x टू थ्री प्लस एक्स टू फोर इज इक्वल्स टू ए टू, और सिमिलरली लास्ट वाला जो आएगा वो इस तरह से आएगा एक्स फोर वन प्लस एक्स फोर टू प्लस एक्स फोर थ्री प्लस एक्स फोर फोर इज इक्वल्स टू ए फोर, और फिर डिमांड कॉन्स्टेंट्स बनेंगे बच्चों। तो वो मैथमेटिकली कैसे बनेंगे, इस तरह कॉलम वाइज, यानी कि एक्स वन वन x21, x2 sorry x21, x31, x x41 is equals to demand, यानी कि b1, फिर x2, x12, x22, x32, x42 is equals to b2, और इस तरह से चारों कॉलम वाइज कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स बनेंगे चार, ये सप्लाई कॉन्स्टेंट बनेंगे वो रो वाइज बनेंगे, और डिमांड कॉन्स्टेंट्स कॉलम वाइज बनेंगे इस तरह, ओके। और इक्वल टू में बी वन बी टू बी थ्री बी फोर आएगा।
तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है और ये जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टेबुलर फॉर्म है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन दोनों के ही विषय में बताया। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन मैथड्स की, कि हमारे पास में कौन कौन सी मैथड्स हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, हमारे पास में तीन मैथड्स हैं, ठीक है ना, और इन तीनों ही मैथड्स की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इट मींस दैट कि ये केवल एक सॉल्यूशन होता है, ये ऑप्टिमम होगा कि नहीं होगा इसके लिए फिर एक अलग टेस्ट होता है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तीसरा है बच्चों वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स हैं बच्चों, और इन तीन मेथड्स की मदद से क्या मिलता है हमें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन जो वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है वो इस वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड से सबसे अच्छा आता है, यानी कि इनसे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो शायद उतना मिनिमाइजेशन की ओर ना झुका हुआ हो। मिनिमाइजेशन की ओर ना झुका हुआ का मतलब ये है कि इन मेथड से मिला हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमेशा वोगल से मिले हुए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ज्यादा ही मिलता है। मतलब सबसे कम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलता है वो वोगल से मिलता है। इसलिए जब भी टेस्ट करना होता है कि वो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, तो वोगल से मिले हुए सॉल्यूशन पर ही वो टेस्ट लगाया जाता है, और वो टेस्ट होता है मोदी मेथड का। यानी कि मोदी मेथड एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो मिनिमम है कि नहीं है। इट मींस दैट कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है या जो हमें सॉल्यूशन मिला है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से वो ऑप्टिमम है या नहीं है, ये हम लोग किससे टेस्ट करते हैं, मोदी मेथड से टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में केवल इतना ही कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, देन इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, एंड देन इसके बाद में उसके सोल्यूशन की कितने मैथड्स होते हैं, एंड देन उन मैथड्स में से कौन सबसे अच्छा सोल्यूशन देता है, और उस सोल्यूशन के ऊपर हम लोग मोदी मैथड या मोदी टेस्ट लगा के कैसे पता करते हैं कि वो ऑप्टिमल है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मोदी मेथड से पता करते हैं कि वो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। सो अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इन मेथड्स के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अगर इस छोटे से लेक्चर में कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल भगवान सिंह विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इंजीनियरिंग जियोलॉजी के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जयपाल विश्वकर्मा हमारा एक YouTube चैनल है जो कि स्कूल मैथमेटिक्स के लिए डिवोटेड है, तो आपको यहाँ पर 11, 12 के वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्राफ्ट फॉर मॉडल्स एंड इनोवेशन फॉर लाइफ दो YouTube चैनल्स और हैं जिनमें हम ऑटोमोबाइल्स से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और साथ ही इस पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग सर्वेइंग और सिविल इंजीनियर जो होते हैं बेसिकली उनके कोर्सेज को अपलोड करते हैं। तो आप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और लेटेस्ट अपडेट्स से अवेयर रह सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।